और अगली बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की गई है। बड़ी जानकारी, राहुल गांधी का दीपेंद्र हुड्डा ने धन्यवाद किया है और राहुल गांधी ने अपने किए वादे को भी पूरा किया है। जनता के बीच गया अच्छा संदेश, ये बात दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सच्चे जनसेवक। और बीजेपी राहुल के हरियाणा दौरे पर राजनीति कर रही है, बाढ़ को लेकर हरियाणा सरकार भी जमकर निशाना साधा है, फ्लड को लेकर कोई बैठक नहीं हुई, ये बात दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राहुल गांधी का दीपेंद्र हुड्डा ने धन्यवाद किया है। राहुल गांधी जी मदीना पहुंचते हैं और वहां पर किसानों के बीच जाते हैं, धान की रोपाई करते हैं और साफ तौर पर जिसको लेकर राजनीति जो है वो भी चरम पर हुई। लेकिन राहुल गांधी जी ने आज गांव वालों को अपने घर पर बुलाया था, खाना खिलाया और उस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों राहुल गांधी जब हरियाणा पहुंचते हैं तो जमकर राजनीति होती है, कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि आप हरियाणा ही आके चुनाव लड़ ले, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने उन गांव वालों को अपने घर बुलाया था और उस दौरान प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी भी मौजूद रहीं और उन गाँव वालों का दिल से वेलकम किया, गाँव वाले काफ़ी खुश भी दिखे। क्या कहेंगे आप कि ये सारी चीज़ें पब्लिसिटी स्टंट थी या फिर साफ दिल से किया हुआ नेक काम? देखिए, ये जो है, एक तो मैं राहुल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि जिस रोज़ वो दिल्ली से शिमला जा रहे थे तो आकस्मिक रूप से हरियाणा में एक खेत में वो रुके और पूरा मन लगाकर उन्होंने वहाँ पर हर बात किसान की, मजदूर की, खेती से संबंधित हर बात को बारीकी से समझने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। उन्होंने वहाँ पर ट्रैक्टर चलाया, धान की प्योद लगाई, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ खेत में उनका जो है खाना खाया और काफ़ी घंटे उनके साथ बिताए और चलते चलते उनको निमंत्रण दे के आए कि मैं जल्दी आपको बुलाऊंगा अपने घर, आज आपका खाना खा रहा हूं, मैं जल्दी अपने घर आपको खाने पे बुलाऊंगा। और तो जब उस दिन वो रुके थे तो एक अच्छा संदेश गया था और उसके बाद अब उसके एक हफ्ते के भीतर भीतर उन्होंने उन लोगों को आज अपने निवास पे अपने परिवार के साथ, जिसमें सोनिया जी भी थी, प्रियंका जी भी थी, उन्होंने भोजन पे आज आमंत्रित किया तो बड़ी खुशी की बात है। इससे ये पता चलता है कि वो अपने बात के पक्के व्यक्ति हैं और इससे पता चलता है कि वो एक सच्चे जनसेवक की तरह लोगों के, जनमानस के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के और उनके मुद्दों के बारे में बारीकी से समझ के वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसमें किसको क्या तकलीफ हो सकती है? जहाँ तक राजनीति की बात है, कोई भाजपा का कोई व्यक्ति इस पर कुछ तिलमिलाहट का कोई बात बोले तो स्वाभाविक है, वो समझ सकते हैं। और जहाँ तक कृषि मंत्री की कि वो हरियाणा से चुनाव लड़ें तो हम स्वागत करते हैं, हरियाणा से आ जाएं, और इसमें भी किससे क्या तकलीफ हो सकती है? सर, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई और जिसके वजह से पूरा राज्य जो है वो जलमग्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राहत का जो कार्य है वो सुचारू रूप से पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो राहत का कार्य ना ही सरकार, ना ही शासन प्रशासन तंत्र मजबूती के साथ लोगों के बीच पहुँच कर काम कर रहा है, ये जो समय है ये राजनीति करने का नहीं है, तो इस दौरान भी इस तरीके की बयानबाजी दोनों पक्ष से क्यों? देखिए, जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप और दोषारोपण की बात है, मैं भी मानता हूँ ये समय नहीं है, ये समय जनता को राहत पहुँचाने का है। आज उत्तर भारत में ज़्यादा वर्षा से जो बाढ़ की समस्या में जो लोग जूझ रहे हैं उन तक राहत पहुँचाई जाए और सारे मिलजुल कर तालमेल स्थापित करके, समन्वय करके, और इसमें हमारा भी रोल है, बतौर विपक्ष भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम अपने सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा राहत पहुंचाई जाए। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में बहुत से जो ज़िले बाढ़ग्रस्त हैं वो केवल प्राकृतिक आपदा की मार नहीं, वहां पे कहीं ना कहीं ये मैन मेड समस्या भी है, क्योंकि हरियाणा में हर साल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की एक बैठक होती है, मुख्यमंत्री जी उसके चेयरमैन रहते हैं और उसमें बजट आवंटित किया जाता है नालों की सफाई के लिए, ड्रेन्स की खुदाई के लिए, नदियों और नहरों की एम्बैंकमेंट को मजबूत करने के लिए, यानी कि तटों को मजबूत करने के लिए। लेकिन यहाँ तक दुर्भाग्य की है कि इस साल पहली बार हरियाणा के अंदर इस तरह की बैठक नहीं की गई, मुख्यमंत्री जी ने अपनी समझ से
पहली मर्तबा फ्लड ना फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई, ना कोई बजट आवंटित किया गया फ्लड राहत के लिए। हर साल मानसून सीजन से कुछ महीने पहले की बैठक रहती थी, तो ये लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा दोषारोपण पर समय नहीं गंवाना चाहता। इस समय ये समय लोक जनता की मदद करने का है। जहाँ तक प्रदेशों के आपस के आरोप प्रत्यारोप की बात है, दिल्ली हरियाणा पंजाब हिमाचल, तो प्रदेश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार कहाँ है? प्रधानमंत्री जी बाहर हैं, क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पूरे उत्तर भारत बाढ़ग्रस्त है, आपस में इस समय आरोप प्रत्यारोप ना हो, आपस में समन्वय हो, तालमेल हो राहत की में के कार्यों में। क्या देश की सरकार पल्ला झाड़ सकती है यूँ? क्या किसी प्रधानमंत्री जी बाहर हैं तो किसी और मंत्री की जिम्मेदारी नहीं लगनी चाहिए कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ उनके साथ उनको बिठाए, नहीं बिठाए तो कम से कम जूम कॉल पर एक साथ लेकर इसकी कोई रणनीति बनाई जाए? क्या देश को अपने हालात पर छोड़ देना, क्या ये देश नीति है? तो इस तरह का निर्णय देश को अपने हालात पर छोड़ने का अगर है केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी का, तो वो सही नहीं। सर एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, दिल्ली में जो लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, हथनी कुंड बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको लेकर भी दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा उस पानी को छोड़ने की जो कैपेसिटी है वो कम कर दे, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आया आज सुबह सुबह कि उसकी कैपेसिटी जो है वो 1,00,000 क्यूसेक है, उसके बाद हम एक साथ वो एक सांचा है और उतनी ही पानी को स्टोर कर सकता है, उसके बाद जो पानी आता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसी को लेकर मैंने अभी जो बोली है बात, यानी कि बाढ़ को लेकर काम करो। नहीं, इसको मैंने आपको सारी बात कही कि मैंने आपको इसी को लेकर मैंने कहा सारा जो। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बाढ़ को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि फ्लड मैनेजमेंट को लेकर कोई बैठक नहीं हुई थी, होमवर्क नहीं हुआ था, इसीलिए शायद परिस्थिति इस तरीके की बनी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।